तस्वीर है, ये मौनी बाबा धाम चोचकपुर है। चोचकपुर की ये गंगा की सीढ़ियां हैं, सीधे लोग गंगा घाट में 200 सीढ़ियां उतर करके गंगा में स्नान करते हैं। उस पार चंदौली जनपद है। यहाँ पे गाजीपुर, बलिया, चंदौली, बनारस, कई जिलों के पड़ोसी दर्शनार्थी स्नानार्थी आते हैं, स्नान करते हैं। सुबह 4 बजे से स्नान चालू हो जाता है, स्नान करते हैं, इसके बाद पूजा करते हैं, इसके बाद दान करते हैं, इसके बाद अपनी रखते हैं उसको लेकर वापस जाते हैं। प्रत्येक वर्ष फिर वो आते हैं और पुनः स्नान करके बाबा का आशीर्वाद करते हैं। इसी के साथ मैं हूँ राघव शर्मा रमन, जय गो यूट्यूब चैनल से। साथ ही इस वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने ग्रुप में शेयर भी। साथियों, आज 16 जून 2024 दिन रविवार है और मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और गाजीपुर के करंदा के मौनी बाबा धाम पर आया हुआ हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मौनी बाबा धाम की सीढ़ियाँ हैं, कम से कम 200 सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों से उतरते हुए लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। आज गंगा दशहरा है और स्नान का कार्यक्रम सुबह 4 बजे से प्रारंभ हुआ। ये भीड़ बता रही है कि कितनी श्रद्धा है मौनी बाबा धाम और इस चोचकपुर गंगा धाम पर। ये मौनी बाबा मेला को भी पछाड़ रहा है, इतनी भीड़, इतनी गर्दिश। मौनी बाबा के मेले में भी स्नान का नहीं होता है जितनी भीड़ है। करंदा और करंदा के मौनी धाम पर उपस्थित हुआ हूं। आप देख रहे हैं यहां पे इतनी हजारों की संख्या में भीड़ है, दर्शनार्थी हैं। एक गंगा घाट की सीढ़ियां हैं और एक दादी माँ है स्नान करके आ रही। माता जी आपका नाम क्या है? गुलाबी। तो आज कौन सा स्नान है? दशहरा, गंगा दशहरा है। हाँ, गंगा दशहरा। तो आपकी उम्र कितनी होगी? 80 हो गया है। 80? हाँ, उतना तो। अच्छा अच्छा, किस गांव से है आप? नारे पंदेरा पजरे रसूल। ऐसा करने आती है आप? नहीं, ना। नहीं। अच्छा, आज के स्नान का क्या महत्व है? बहुत महत्व है। क्या बताइए? कुन मिली बेटी बेटन के। अच्छा, और क्या? कल एकादशी भूखल लाई आदमी। अच्छा, कल एकादशी भूखेंगे। हाँ, दान उन किए हैं आप? हाँ, दान जो सपरिश हो रहा है ना। अभी मंदिर में आप जा रही है? हाँ, नहीं, मंदिर में ना सपर पाए। अच्छा अच्छा, चढ़ नहीं पाएंगे? नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लड़का तो बारह के धर पुआर लगा दो सीढ़ी पर। अच्छा अच्छा। दादी आपका नाम क्या है? हमारा नाम चंपाती है। कहाँ से है, किस गांव से है? बता दो कौन सी गांव से है। बक्सा का। बक्सा से। आप 80 के करीब में होगी ना? 80 बरस 90 हो गया। तो यहाँ पे गंगा जी में स्नान करने के लिए हमेशा आती रहती है? आज गंगा दशहरा है। तो हर गंगा दशहरा पर आती हैं आप? नहीं जी, हम हर दशहरा पर ना आए। तो है तो नाती है? हाँ, नातनी है। इसको भी लेके आती हैं? अच्छा, आज जो ना गंगा दशहरा है तो नहले से कब मिलेगा? नहले से पुण्य बता रहा है और पुण्य मिली और कम मिली। अभी नहा जाता हूँ। आपके लड़के हैं? हाँ, चार जाना हुआ। चार जाना? हाँ। अच्छा अच्छा, तो घर पे भी पूजा पाठ करती है? हाँ। यहाँ मौनी बाबा भी आवे? हाँ, आवत रही। दिखाई देता है कि नहीं? दिखाई देता है? देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आराम से चली जाएगी? हाँ, चल जाए। तो आपको फल मिलता है स्नान का? कहाँ फल ना मिली ना है। चलिए हम दूसरे दर्शनार्थी से बात करते हैं। स्नान करके आ रही हैं, क्या नाम है आपका? हमारी। कहाँ से है, किस गांव से? मैनपुर से। अच्छा, हमेशा स्नान करती हैं यहाँ पे? आज गंगा दशहरा है, कै बजे आ गई हैं? अकेले आए हैं? नहीं। अच्छा, तो ये जैसे आज का दशहरा का स्नान करने का क्या फल मिलता है? अभी बच्चा पढ़ा लिखा ना है, जाए अब जवान ना पढ़ा लिखा जवान भगवान। हाँ, कुछ तो मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हमेशा आती रहती है?
ना बच्चा पहले तो कब एक दोसी भूखतल में जाए तो सांभेरे आए कि सारात भर रहतल है तो व्रत रहबो का जैसी का। हां अच्छा सांभ के पालन करेंगी। हां ना बिहान भी बिहान मिले। हां अच्छा परसों चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहां ई का करत हो? पूजा करत हूं। पूजा करे ई मनौती थी आपकी? हां अच्छा अच्छा तो आपकी मनौती पूरा हो गई है? ये यही तरह से आवत है मतलब मंदिर नहीं था। अच्छा मंदिर तो मनौती पूरा हो गई तब ना। अच्छा अच्छा तो इकरहिया चढ़ा रही है। अच्छा अच्छा स्नान कर ली है ना। अच्छा अच्छा आपका नाम क्या है? रामशीला। कहाँ से हैं आप? गाजीपुर से। गाजीपुर से तो आप इनके साथ आई हैं? जी। आज गंगा दशहरा स्नान की है, आज के स्नान का क्या फल मिलता है? फल तो अब ऊपर वाला जानेंगे क्या देंगे। अच्छा, अभी कुछ मिला नहीं आपको? जी नहीं। अच्छा कुछ तो मन में होगा ना? मन में कुछ नहीं है, अपने खुशी से हम लोग नहा रहे हैं। अच्छा अच्छा खुशी से करैया चढ़ा रहे अच्छा, हैं। अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। अरे बाबा आज गंगा दशहरा है। आप चित्र संकल्प करवा रहे हैं का? आप चित्र अच्छा अच्छा कह रहे थे महाराज जी बच्चा आपका है? हाँ। आप जो है आटा गूंथ रही है? हाँ। आप बच्चा सोकर के दूध पी रहा है? हाँ। हाँ। कहाँ से हैं आप? रायपुर से, कटघरा से। रायपुर कटघरा यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर है। हुँ, हुँ। तो हमेशा आती हैं क्या? हाँ हाँ नहीं आती हैं बार बार। तो आपका मनौती वनौती था पूरा हो गया है क्या? हाँ हाँ हो गया। अच्छा आज के स्नान का क्या महत्व है? ठीक है माँ। ठीक है माँ सब मिलता है फल मिलता है? हाँ सब मिलता है। क्या फल मिलता है बताइए तो? आज का स्नान का पहला फल जो है दशहरा है, आज से गंगा की 1 इंची बढ़ती है, आज से बढ़ना शुरू हो जाता है। हाँ, आज अच्छा आज के स्नान का क्या महत्व है? आज का स्नान का जो महत्व है वेट का जो 10 दिन असार रह जाता है और उसको नहाने से फल मिलता है, विद्या धन सुख दुख की प्राप्ति रहती है। अच्छा अच्छा और जो मन में आप इच्छा रखते हैं वो भी पूरी होती है? मन वो भी पूरा हो जाता है। अच्छा सर कितने साल से आप आ रहे हैं? अरे हम बहुत दिन से आ रहे हैं। क्या घर है आपका? जयपुर बगही। जयपुर बगही यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। हाँ। तो आज का जो दिन है हर साल प्रत्येक वर्ष आते हैं यहाँ पे? हाँ। अच्छा 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 अभी कोरोना में आए तो हम उस पर जाके नहाए। अच्छा उस पर जाके वहाँ चाड़ीपुर जाके नहाए। अच्छा अच्छा तो मतलब कि आज का स्नान का बड़ा महत्व है। हाँ। जो मन में आप रखते हैं बाबा की कृपा से पूरी होती है। हाँ। 10 दिन जो है क्या कौन सा महीना? गंगा दिन जेठ रह जाएगा। रह जाता है ना। और कल एकादशी है? कल एकादशी। अच्छा अच्छा दशहरा आ रहा है तो कल एकादशी है। हाँ। कल व्रत भी आप रहेंगे? कल भी व्रत रहेंगे। कल निर्जला भीम एकादशी को बोला जाता है। भीम एकादशी है। हाँ। अच्छा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ माता जी बोलिए। माता जी प्रणाम। आज गंगा दशहरा है, आज के स्नान दान और ध्यान का क्या महत्व है? महत्व ये है बेटा कि ज्येष्ठ का सबसे बड़ा महत्व महीने का। जी जी जो दशमी का महत्व होता है जी वो आज सबसे महत्व। अच्छा 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 क्योंकि कल ही भीमसी एकादशी। अच्छा अच्छा एकादशी का। हाँ वो 12 महीने का एकादशी। अच्छा तो माता जी आज के स्नान का क्या महत्व है, क्या प्राप्त होता है? प्राप्त होता है बेटा पुत्र पाते हैं लोग। हाँ। यह बात अमर होता है। अच्छा अच्छा शांति घर परिवार में रहता है। जी जी हर तरह से सुन। अच्छा 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 गंगा मैया की कृपा से। जी जी अच्छा अच्छा इसीलिए लोग आज दशमी के दिन इसका नाम गंगा यानी माँ गंगा का ही आशीर्वाद। ये गंगा जी का अवतरण देवलोक से आज ही की तिथि में हुआ था, इसीलिए गंगा दशहरा का जो पर्व है मनाया जाता है। आज लोग हजारों लोग स्नान किए हैं और बहुत काफी भीड़ है, गाजीपुर बलिया जौनपुर चंदौली तमाम जनपदों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और स्नान कर रहे हैं, स्नान करके दान पुण्य कर रहे हैं, बाबा का दर्शन कर रहे हैं और अपने फल की प्राप्ति की मनोकामना लेकर अपने सुख शांति के लिए। जी जी मेरे परिवार में मेरे बाल बच्चा
लंबी उम्र की प्राप्ति हो। जी जी जी। अच्छे तरह जीवन समय बिता मैं हर मनोकामना लोग लेके जी जी स्नान करते हैं। जी जी। गंगा में साथियों देख रहे हैं कि ये माता जी हैं जो सत्यानंद गिरी जी महाराज के माता जी हैं और यहाँ पे मंदिर के कैंपस में बैठी हुई हैं और भक्तों को दर्शनार्थियों को प्रसाद देकर के आशीर्वाद दे रही हैं। चलिए राकेश जी चलिए।